हेलो एवरीवन, ये एक दूसरी प्रॉब्लम है एच पैरामीटर्स को लेकर। इसमें आपको एक नेटवर्क दिया हुआ है जो कि काफी कुछ हमारे इक्विवेलेंट सर्किट जैसे दिखाई देता है, लेकिन इसमें क्या है, डिपेंडेंट दो सोर्सेस इनपुट पोर्ट पे दे दिए और दो जो है वो आउटपुट पोर्ट पे दो डिपेंडेंट सोर्सेस दिए हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो है काय पे डिपेंड कर रहे हैं, V2 पे। ये दोनों जो है ये काय पे डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ से फ्लो होने वाले करंट पे। तो ठीक है, इसे हमें क्या करना है, एच पैरामीटर्स फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है और इसकी रेसिप्रोसिटी और सिमेट्री के बारे में बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर केवीएल लगाते हैं लूप नंबर 1 पे। लूप 1 यहाँ केवीएल लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस से गए प्लस, V1 माइनस R1 प्लस R2 इंटू I1 माइनस AV2 माइनस DV2 इज इक्वल टू 0। एच पैरामीटर की स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती थी, जब भी कुछ भी पूछा जाता है आपसे कोई भी पैरामीटर, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिख लेंगे। H11 I1 प्लस H12 V2 इज इक्वल टू V1, H21 I1 प्लस H22 V2 इज इक्वल टू I2। यहां से देखते हैं क्या मिलता है, V1 माइनस R1 प्लस R2 इंटू I1 माइनस A प्लस B V2 इज इक्वल टू 0। और V1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 I1 प्लस A प्लस B V2, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करते हैं, इस नोड को मान लेते हैं हम नोड 1। यहाँ KCL लगाने के लिए हम क्या करेंगे, मेरा अजम्पशन ये है कि जितने आउटगोइंग करंट्स हैं उनको हम पॉजिटिव मानेंगे और जितने इनकमिंग करंट्स हैं उनको हम नेगेटिव मानेंगे। आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन लिखते हैं यहाँ के लिए, KCL इक्वेशन क्या होगी, एक करंट यहाँ जा रहा है CI1 प्लस DI1 माइनस I2 प्लस यहाँ का वोल्टेज कितना है V2 बाय करंट, यहां से कितना फ्लो होगा, V2 यहाँ का वोल्टेज है तो R3 प्लस R4 शुड इक्वल टू 0। या इसको हम बोल सकते हैं I2 इज इक्वल टू C प्लस DI1 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस R4 इंटू V2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आती है। इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन A को, तो क्या मिलेगा हमें, H मैट्रिक्स मिलेगा। वो क्या होगा हमारा, H11 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, H12 इज इक्वल टू A प्लस B, H21 इज इक्वल टू C प्लस D, H22 इज इक्वल टू 1 अपॉन R3 प्लस R4। ये हमारे होते हैं H पैरामीटर्स। अब हम आते हैं इक्विवेलेंट सर्किट पे। इक्विवेलेंट सर्किट इसका कैसे ड्रॉ होगा, ये तो हमें पता है। यहाँ क्या होता था हमारा, H11 विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये क्या होता था यहाँ प्लस यहाँ माइनस, H12 V2 विच इज इक्वल टू H12 V2 क्या होगा हमारा, A प्लस B इंटू V2, ये होगा हमारा करंट सोर्स जो कि क्या होगा, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, और काय पे डिपेंड कर रहा है, I1 पे। तो H21 I1 विल बी इक्वल टू C प्लस D इनटू I1
दिस, और ये हमारा हो जाएगा H22 जो कि हमारा है 1/R3+R4। तो इस तरह से हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बनता है एच पैरामीटर के लिए। अब आपको पूछा गया है रेसिप्रोसिटी और सिमेट्री डिस्कस करने के लिए कहा है। तो रेसिप्रोसिटी कैसे आप चेक करते हैं? रेसिप्रोसिटी चेक करने के लिए आप क्या देखते हैं, H12 should equal to minus of H21। तो H12 क्या है हमारा A+B, H21 क्या है हमारा C+D। तो ये क्या इक्वल है? नहीं है, इसलिए रेसिप्रोकल है क्या? रेसिप्रोकल नहीं। दूसरी बात करते हैं हम, क्या बोला है सिमेट्री चेक करने के लिए, सिमेट्रिकल होने के लिए हम क्या देखते हैं? H11 into H22 minus H12 H21 should equal to 1। H11 क्या है? R1+R2। H22 क्या है? R3+R4 minus which is not equal to 1। इसका मतलब हमारा जो नेटवर्क है वो सिमेट्रिकल नहीं है। दोनों ही बातें नहीं हो रही है यहाँ, ना तो सिस्टम हमारा रेसिप्रोकल है और ना ही सिमेट्रिकल। तो सिंपल है, आप उसको सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट में डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आपने ये तो इक्वेशन लिखे, केसीएल इक्वेशन लगा के आपने सॉल्व किया, लेकिन अगर आप देखते सर्किट को तो सर्किट में क्या था, यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्सेस थे जो कि डायरेक्टली एडिटिव थे, और दो करंट सोर्सेस थे वो भी अल्जेब्रिक सम उनका आप निकाल सकते थे, और आप डायरेक्टली इक्विवेलेंट सर्किट भी फॉर्म कर सकते थे, लेकिन हमसे क्या पूछे थे एच पैरामीटर्स, तो इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करके एच पैरामीटर फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया।